और धमकी भी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं धमकी में? धमकी में बोल रहे हैं कि हम लोकल हैं, हमने इतने सालों से नहीं दिया, हम होटल वाले हैं, हम अपने घर के अंदर खड़ी करिए, दो गाड़ी करिए, चार गाड़ी करिए, लेकिन अगर आप टेंडर वाली जगह में या आप गवर्नमेंट की जगह में अगर अतिक्रमण करेंगे तो जाहिर सी बात है उनसे पैसा लिया जाएगा। 100 रुपए बहुत ज्यादा है, 8 घंटे के 100 रुपए आप देंगे? नहीं, बहुत ज्यादा है। नहीं, ये गलत है। जो अभी हॉस्पिटल आ, ये बगल में हॉस्पिटल है, आदमी आएगा तो कहाँ खड़े करेगा? 2 घंटे का 50 रुपए तो कहाँ जाएगा बंदा? भाई लूट है ना जनता के। अच्छा, जनता का लूट है, उसका आदमी को डिसाइड करो। आप लोग जो लोकल का बंदा हो कभी खड़ा नहीं करेगा, बाहर से बंदा जो आ रहा है वही खड़े करेगा। कहाँ से निकालेगा वो? तो यही जो पार्किंग में उसी निकालेगा वो तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के ठंडी सड़क एरिया में। जो ठंडी सड़क है हल्द्वानी का, उस क्षेत्र से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आप आज यह वीडियो इस पर होने वाली है, यहाँ पर हल्द्वानी की जो सबसे महंगी पार्किंग है वहां पर मैं खड़ा हूँ। कितनी महंगी पार्किंग है सारा कुछ दिखाएंगे। ये नीचे तिकोनिया से लेके ऊपर सौरभ होटल तक, ये जो नहर कवरिंग का आप जो काम देख रहे होंगे, इसके ऊपर जो है पार्किंग की गई है। ये 2 बार इसके टेंडर हुए, मगर दोनों बार टेंडर में कोई भी ठेकेदार सामने नहीं आया, किसी ने भी इसका ठेका नहीं लिया। उसके बाद इसको किसी प्राइवेट को आपस में सामूहिक तौर पर इसको दिया गया है, पार्टनरशिप में किसी को दे दिया है। तो इसलिए पार्टनरशिप में इसका क्या हिसाब है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। इसका मोटा मोटा जो हिसाब है, जो जानकारी है, इसका 60% जो है गवर्नमेंट लेगी और 40% जो इसमें काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। तो ये है यहाँ पर, और सबसे महंगी पार्किंग है। सरस मार्केट को आप जरा देखेंगे, पिछला तिवाड़ी को आप जरा देखेंगे, और पीछे जो आप रामनेरा ग्राउंड है, तो बरसों से पार्किंग चली आ रही है। वहां के अपेक्षा यहाँ के रेट लगभग 2 गुना ज्यादा है, मतलब डबल रेट है। तो सारा कुछ जानेंगे, अगर यहाँ पर कोई लोग बात करते हैं उनसे भी बातें करेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पर लोगों ने काफी विरोध भी किया था। लोगों ने कहा था कि यार पार्किंग ज्यादा चार्ज हो गया है गाड़ी का, बाइक का, बताया था लोगों ने यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी खबरें भी छपी थी, पेपर में भी आउट हुआ था कि कहना था कि मनमाई रेट चल रही है, हो रहा है। सारा कुछ जानेंगे, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। अगर आप हल्द्वानी में ठंडी सड़क एरिया में, पूरे एरिया में अगर आप आना चाहते हैं, गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं, तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। आपकी जेब कैसे ढीली होने वाली है? क्योंकि पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा आपको, ऐसे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। ज्यादा देरी नहीं करते हैं, सीधे जाते हैं मुद्दे पे और दिखाते हैं आगे क्या सिचुएशन। जरा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो गाड़ी की पार्किंग है एकदम खाली है, आप देख रहे होंगे, एक भी गाड़ियां यहाँ पर पार्किंग में नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो पूरा कहीं कहीं पर यहाँ पर गाड़ियां खड़ी, फिर भी लोग यहाँ पर गाड़ी पार्किंग नहीं कर रहे हैं। पार्किंग होने के बावजूद भी यहाँ पर बीच में लगाई हुई है, देखिए एक कार यहाँ पर लगी हुई है और एक गाड़ी सामने लगी हुई है। तो यहाँ पर खाली है, बहुत ज्यादा यहाँ पर चार्ज है। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है पार्किंग का बोर्ड, में दिखा दे रहा हूँ। देखो 4 व्हीलर पार्किंग, 2 घंटा का 50 रुपया लिया जाएगा, 8 घंटा का 100 रुपया लिया जाएगा। अगर 4 व्हीलर आप यहाँ पर पार्किंग करना चाहते हैं, 2 घंटा 2 व्हीलर का शुल्क रहेगा 25 रुपया, 8 घंटा अगर पार्किंग करेंगे तो 50 रुपया आपको यहाँ पर दें। आगे से जिला स्तरीय प्राधिकरण नैनीताल, इसकी अथॉरिटी से यहाँ पर ये पार्किंग है। और यहाँ पर लोगों कहना है कि काफी ज्यादा पार्किंग है, और हल्द्वानी में आप कहीं पर भी आप पार्किंग कर रहे हैं, सबसे महंगी पार्किंग यहाँ पर है। और उसी के बगल में यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी है। तो अभी मैं ठंडी सड़क में जहाँ पर गाड़ी पार्किंग अभी यहाँ पर जो दिया गया है पार्टनरशिप में, उसके ठीक यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के वहां पर हूँ। हमारे एक अल्मोड़ा से कुछ यहाँ पर जो गाड़ी से आते जाते रहते हैं हल्द्वानी, वो मिले हमको, इनसे जरा बातें करेंगे कि इस बारे में जरा पूछेंगे कि यहाँ पर जो भी ये पार्किंग चार्ज है ये ज्यादा है कम है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? सर मैं नंदन मेहता। सर आप कहाँ से हो? मैं अल्मोड़ा से। जी, आप हल्द्वानी आते जाते रहते? हाँ, बराबर आते जाते रहते हैं। आप कभी बड़ी गाड़ी लेके आते हो यहाँ? हाँ, क्यों नहीं, बरसात गाड़ी लेके आते। अच्छा, तो कहाँ खड़ी करते हो आप? अब यहाँ पार्किंग का तो कोई है ही नहीं। और पार्किंग का है सर यहाँ, देखिए ये 100 रुपए चार्ज है फोर व्हीलर का। पार्किंग का 100 रुपए बहुत ज्यादा है, 100 रुपए बाहर खड़ी कोई शल्टर नहीं बोली, शल्टर अगर कुछ होता तो बात अलग है। 8 घंटे के 100 रुपए आप देंगे? नहीं, बहुत ज्यादा है। कितना होना चाहिए आपके साथ? 50 मिनिमम होना चाहिए। 50 रुपए आदमी बाहर खड़ी है, 12 घंटा 50। हाँ, बार रोड में खड़ी है गाड़ी, आपके रोड में खड़ी है गाड़ी। तो कोई पहले से कोई आपका कवर्ड एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो कवर किया गया है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा नहर के ऊपर कवर करके इसमें जो है ठेका हुआ, दो बार कोई ठेकेदार आया नहीं प्राधिकरण से। उसके बाद यहाँ पर जो भी पार्टनरशिप में इस पार्किंग को दी गई है, तो यहाँ पर जो चार्ज आप देख रहे होंगे, देखो 2 घंटा अगर स्कूटी आप खड़े करेंगे तो 25 रुपया है, अगर 8 घंटा करेंगे तो 50 रुपया है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है।
हॉस्पिटल आज ये बगल में हॉस्पिटल है, आदमी आएगा तो कहाँ खड़ी करेगा, यही तो खड़ी करेगा। अब उसे दो घंटे का रुको, दो घंटे का 50 रुपए तो कहाँ जाएगा बंदा भाई, दो घंटे का 50 रुपए, 4 घंटे 200 रुपए हो गए उसके। पूरी हल्द्वानी में सबसे महंगी पार्किंग है, ये चीज महंगी पार्किंग। बाहर से अगर बंदा आ रहा तो हॉस्पिटल भी आएगा, कहीं भी आएगा, तो वो चीज गलत है। जो यहाँ लोकल के बंदे रहते हैं जिसका घर है वो कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, हाँ वो उसके लिए भी ये भी प्रॉब्लम है, वो खड़ी करेगा, उसके लिए भी चार्ज गलत तो गलत ही है ना। क्या होना चाहिए इसमें सुधार, कैसा होना चाहिए सुधार, वो मीटिंग बैठा के सही ढंग से होना चाहिए। और ये तो लूट है ना जनता के, जनता का लूट है, तो उसका आदमी को मिसगाइड करो। आप लोग जो बाहर से आ रहे हो वो लोग तो फंसेगा ना इसमें, जो लोकल हो कभी नहीं करेगा, जो लोकल का बंदा हो कभी खड़ा नहीं करेगा, बाहर से बंदा जो आ रहा है वही खड़े करेगा। इसका मतलब बाहर वाले बंदे जो बाहर से आ रहे हो कॉपरेट करते हुए लूट रहा उसको। यहाँ पर जैसे अभी लोकल दुकानें हैं, खाने के होटल हैं, बहुत सारे ढाबे वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जैसे किसी को मोबाइल लेना है, किसी को कुछ लेना है, तो वो तो गाड़ी वाला तो अड़ जाएगा इनसे, तो कैसे उनको प्रावधान करें, वो तो बोलेगा मैं 10 मिनट खड़ी करी क्यों 100 रुपए दूंगा, ऐसा ये भाई लोगों से बोलेगा, पर्ची नहीं काटेगा। जो पार्किंग वाले ये भी जा रहे हैं, टेंडर ज्यादा हुआ तो मजूरी इनकी मजूरी, हम ये भी कहते हैं भाई जो 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 नगर पालिका जो आपका प्राधिकरण विभाग, प्राधिकरण विभाग से उसका सही ढंग से उसका वो हो, सब बैठे जो जो भी यहाँ जो भी जो सीनियर सिटीजन है उनको बैठ के उसका सही ढंग से सर्वेंट कर लीजिए। परसों एक ऐसी किसी ने गाड़ी यहाँ पर पार करी, ये भाई लोग पर्ची काट रहे थे तो वो वीडियो बना रहा है, वो बोल रहा है कि भाई तू ये पर्ची तो काट, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तुझे वापस करने पड़ेंगे, ऐसा भी मामला आया है सामने। हर टाइप के लोग आएंगे ना, जो भी मान लिया इन लोगों का भी, जो तुम उसका टेंडर इतना हाई करोगे कहाँ से अपने घर से पैसे देगा, 60% इनको देना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो पैसे कहाँ से निकालेगा, वो तो यही जो पार्किंग में उसी निकालेगा, वो तो उनकी मजबूरी है ना, ये तो सबने वहां से गवर्नमेंट खुश होना चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो हम उसे नहीं मतलब, मैं खुद डिफेंस में हूँ, ये थोड़ी तुम लूट करोगे, तुम जो बंदा बाहर से आ रहा है कॉपरेट करते तुम लूट रहे उसको, और जब इनको तुम महंगा होते कहाँ से भाई, बाहर के लड़के हैं इनको सब, उनको भी मेंटेन करना है। अब 60% वहां दे दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा 15-20% हो जाएगा गवर्नमेंट का, तब जाके जो लड़के काम करेंगे उनके लिए बचेगा, जो पैसा लगाएगा वो भी बचेगा, वो कहाँ से घर से लड़ेगा, घर से बर्बाद हो जाएंगे ऐसे लोग। तो इसका सोल्यूशन क्या निकले सर, ये उसके गवर्नमेंट सोच के बैठना चाहिए, और जो यहाँ के जो बुद्धिजी है जो जो यहाँ के लीडरशिप है बैठ कर सही सोल्यूशन निकलना चाहिए, जनता के लिए कॉपरेट करना चाहिए, आप जनता को लूट रहे हो, ये गलत चीज है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर, थैंक यू। कहाँ पार्किंग है आपकी? हमारे तो अभी फिलहाल ये ठंडी सड़क वाली और नीचे सिंधी चौराहे पे, सिंधी चौराहे पे दूसरों की है। अच्छा अच्छा, तो लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं जी जी, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा ना, जगह देखिए आप थोड़ा बहुत तो रहता ही हो रहा है जी जी, भुगतान हो रही है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो फिर वो पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे जी? दे रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत मेहनत के बाद वीडियो भी बना रहे तुम्हारे कि भाई तुम ये वो कुछ। जी जी बिल्कुल, दम भी दे रहे आपको बिल्कुल, और धमकी भी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं धमकी में? धमकी में बोल रहे हैं कि हम लोकल हैं, हमने इतने सालों से नहीं दिया, हम होटल वाले हैं, कोई कह रहा हम मालिक हैं, कोई कह रहा हमारे इतने काम चलते हैं, हम ये 50 रुपए के लिए लड़ेंगे, हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। अरे भाई आपको सरकार, आपने नक्शा बना रखा, आपके नक्शे में पार्किंग कहाँ है? प्राधिकरण आपसे पूछता है कि आपका नक्शा कहाँ है? आप अपने घर के अंदर खड़ी करिए, दो गाड़ी करिए, चार गाड़ी करिए, लेकिन अगर आप टेंडर वाली जगह में या आप गवर्नमेंट की जगह में अगर अतिक्रमण करेंगे तो जाहिर सी बात है उनसे पैसा लिया जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। तो गाइस आपने सुना होगा, हमने यहाँ पर लोगों से बात करी जो पर्ची काट रहे थे, उनसे भी बातें करी, क्या कहा यहाँ पर सारा कुछ बताया, यहाँ पर अभी काम चल रहा है, ठेके भी है, कितने साल के लिए वो इन्होंने बताया नहीं, और जो पर्ची काटा है ठेले वालों का जो 100-100 रुपए काटा कह रहे हैं वो ये सरासर गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था कह रहे हैं। आने वाले समय में अभी यहाँ पर क्या होता है, इतनी महंगी पार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, 60% गवर्नमेंट को देना है, 40% इन्होंने अपने आप को रखना है, तो महंगा तो होगा ही होगा। आगे को अभी यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है, जंजीर वगैरह लगेगी कह रहे हैं, सारा कुछ बूथ वगैरह बनेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, 24 आवर के लिए यहाँ पर होगा कह रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर सुबह 7 से 10 बजे तक ऐसा कुछ रखा है, रात को इसको फ्री करा हुआ, आगे क्या होता है यहाँ पर वो भी सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।